बेल पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनीता शर्मा। आज हम बना रहे हैं दानेदार बेसन के लड्डू, बिल्कुल हलवाई जैसे। आइए बनाना शुरू करते हैं। दानेदार लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए मोटा बेसन। यहाँ मैंने दाल पिसवा ली थी, चने की दाल, और ये मोटा बेसन बनवाया था। और हमें चाहिए बूरा। बूरा नहीं मिले तो हम चीनी से बूरा बनाएंगे। ये घी है आधा कप, खरबूजे के बीज 2 बड़े चम्मच, 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। आइए सबसे पहले बूरा बना लेते हैं। यहाँ हमने भारी तले की कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप चीनी डाली है, आधा कप पानी, और ये चाशनी हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे लगातार चलाते हुए ताकि चीनी जले ना। ये देखिए एक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और यहाँ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल रहे हैं ताकि हमारा बूरा सॉफ्ट बने और उसमें गुठलियाँ ना पड़े। इससे लड्डू में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमें इसे इतना पकाना है कि ये चीनी वाइट दिखने लगे, इस तरह, और इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, एकदम वाइट हो। ये देखिए अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इस मिश्रण को लगातार चलाना है, दबाते हुए घुमाना है इसको, इस तरह। अब इसमें जो लम्स आ गए हैं उसको स्पैचुला से धीरे धीरे दबाएंगे, ऐसे दबाते हुए चलाना है ताकि ये बूरा एकदम स्मूथ बने, सूजी जैसा। ये बूरा तैयार हो जाएगा, एकदम सूजी जैसा दिखेगा। बूरा बनने के बाद एक बार इसे छान लें तो ये बूरा एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको दबा लें अच्छे से और छान लीजिएगा। ये देखिए हमारा बूरा बिल्कुल तैयार हो गया है अच्छी तरह। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, सूजी की तरह दाने बने हुए हैं इसमें। बेसन भूनने के लिए हमने यहाँ आधा कप घी लिया है। इसको पिघला लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखी है, हमें बेसन लो फ्लेम पर ही घूमना है। बेसन डाल दिया है इसमें और इसको
मैं बचा हुआ बोरा भी डाल देती हूँ इसमें और दोबारा मिक्स कर लेती हूँ। अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह, ये लड्डू बनने के लिए तैयार है और हम इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए बड़े नींबू के साइज का डो लें हाथ में और उसे हथेली और उंगलियों की सहायता से दबाते हुए लड्डू का आकार दें इस तरह। यदि आपको एकदम राउंड चाहिए, उंगलियों के भी निशान नहीं चाहिए लड्डू में, तो इसे हथेली के बीच में रखकर इस तरह घुमाएं। ये देखिए बिल्कुल राउंड हो गया है, ये एकदम गोल लड्डू बनकर तैयार है। हम इसी तरह सभी लड्डू बना लेंगे। आपके लड्डू परफेक्ट बने इसके लिए बेसन सही भुना होना चाहिए और बेसन चीनी और घी का अनुपात सही हो। गरम बेसन में बूरा नहीं डालें, बेसन में तभी बूरा डालें तब वो हल्का गर्म हो, यानी उसे हाथ से छू सकें, इतना गर्म होना चाहिए। आपके लड्डू परफेक्ट ही बनेंगे। आपके लड्डू कैसे बने हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।